गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके वीवर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके वीवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आप उस इंसान को विजुलाइज़ करते रहें जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके वीवर्स, हमने ये आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं नाइन ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड फाइव ऑफ सोर्स और साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा और स्पेशल साइन है मीन यानी पाइसिस। ओके वीवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने वाली है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बॉटम के कार्ड की बात करें, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। आज सुबह भी आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और आप उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के इस रिलेशनशिप में रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ अच्छा रहा है। हाँ, यहाँ पर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है और यहाँ पर किसी ने किसी के साथ में बहुत बड़ी चीटिंग की है और कोई एक पर्सन है जिसे इस बात का गिल्ट भी है, तो ये आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जिन्हें गिल्ट है। कुछ ऐसा कर दिया है इस पर्सन ने जिसको ये चाहकर भी भुला नहीं पा रहे। एक तो ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं, ये भी क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये अपनी लाइफ में जगल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में लगातार ये सोच भी रहे हैं, तो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन। इन दिनों इस पर्सन के करियर में कुछ लॉस भी हुआ है, ऐसा भी लगता है ये पर्सन बीच में ही अपना करियर ऐसा लगता है जैसे कि ख़त्म कर चुके हैं और ये पर्सन कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, न्यू जॉब करने का सोच रहे हैं, बाहर जाने का हो सकता है इस पर्सन का प्लान बन रहा है। तो इस पर्सन के करियर में इसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी, बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे थे ये अपने जीवन में, अपने करियर में, और यहाँ पर जब आप दोनों की मुलाकात हुई है ना तब इस पर्सन का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, बट यहाँ पर इस पर्सन ने अपने किसी ऐसे बिहेवियर की वजह से अपने करियर में बहुत बड़ा लॉस किया है या फिर किसी एक ऐसे इंसान पर इस पर्सन ने ट्रस्ट कर लिया जो इस पर्सन की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान लाकर चला गया है। तो ये तूफ़ान ही ऐसा था जो आपकी ज़िंदगी को भी तबाह कर गया है, यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करके चला गया है ये तूफ़ान और इस तूफ़ान के आने से आपकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से डगमगा कर रह गई है। आपके पर्सन की ज़िंदगी भी ऐसा लगता है जैसे ठहर गई है और पूरी तरह से ये इस पर्सन को नेगेटिव कर गई है, तो वो भी जो भी सिचुएशन थी ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी और ये जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हुई हैं वो आप दोनों के रिलेशनशिप पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल गई हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के करियर में इसको लॉस हुआ है जिसके बारे में भी आज सुबह ही सोच रहे हैं और इस लॉस की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इस कदर इफ़ेक्ट हुआ है ना कि इसके बारे में भी लगातार सोचे जा रहे हैं। ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो कर गए हैं बट आपकी यादों से आज भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और देख रहे हैं ना, हमारे पास यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्स आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन किस कदर नेगेटिव है, लगातार आपके बारे में सोच रहा है। एनजाइटी और डिप्रेशन तक इस पर्सन को होने लग गया है, रातों को इस पर्सन को नींद नहीं आती है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ जगल ही कर रहा है, सोचे विचार में ही लगा हुआ है। तो आज सुबह भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और द मून की एनर्जी में है ये पर्सन। कभी इस पर्सन को आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं तो कभी बुरे, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के खुद क्रिएट की गई हैं, ये भी इस पर्सन को एहसास हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास द मून के साथ साथ फाइव ऑफ सोर्स भी आया है, तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ जो चीटिंग हुई है और जो इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग हुई है, आज सुबह ये पर्सन इसी के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन था जो इस पर्सन का ना अपना ही था, यहाँ पर किसी अपने से ही इस पर्सन को बहुत बड़ी चोट मिली और ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे कि उसने बिच्छू की तरह डंक मारा है इस पर्सन को और
ओके व्यूअर्स, तो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स में और क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये जो इस पर्सन की ज़िंदगी में जिस पर्सन की तरफ से भी डंक मारा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका स्वभाव भी ऐसा था। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है, आई मेड मैनी मिस्टेक्स। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और एक मिस्टेक नहीं बल्कि बार बार बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं। कुछ लोगों पर इस पर्सन ने आँख बंद करके विश्वास किया और आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए। ओके व्यूअर्स, और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि आप जो चुप हो गए हैं ना, आप इस पर्सन से बात ही नहीं कर रहे। इस पर्सन को धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है इस पर्सन की नेगेटिविटी, इसीलिए क्योंकि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, आई रिग्रेट आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विद यू। तो इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपकी दोस्ती को खो दिया, आप पर विश्वास नहीं किया। एक ऐसे इंसान को खो दिया इस पर्सन ने जो इंसान इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल था, जो इंसान इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता था, इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का काम करता था, और इस पर्सन ने उसी इंसान के साथ गलत कर दिया, चीटिंग की, धोखा किया किसी और की बातों में आकर के। तो यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस रिलेशनशिप में दूसरों के बहकावे में आकर की हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और इसीलिए ये पर्सन अपनी गलतियों को मान भी रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है। आपको तो खो ही दिया, अपना आत्मविश्वास भी खो दिया साथ में। अब ये पर्सन किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये किसी पर ट्रस्ट करेंगे तो फिर से इस पर्सन की ज़िंदगी में ये तूफ़ान आएगा, जैसे कि ये तूफ़ान आपको बहाकर ले गया है, इस पर्सन से दूर ले गया है। उसी तरह से ये पर्सन कहीं जो कुछ भी है इसके पास अभी भी, उसे भी एक एक करके खोना दे। तो ये डर और ये फियर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाले हुए है, और ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है। और इस पर्सन को एहसास है इस चीज़ का कि आप इस पर्सन से अब बात नहीं करेंगे, और ये जो इस पर्सन को एहसास है ना कि आप इस पर्सन से बात नहीं करेंगे, और ये जो फील कर पा रहे हैं, तो ये जो आपका साइलेंस है इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ दे रहा है। आज सुबह भी ये पर्सन लगातार सोच रहा है कि काश आपसे बात हो पाती, और ये पर्सन की हिम्मत भी नहीं कि आपसे आके कांटेक्ट कर ले, आपसे बात ही कर ले। ये पछतावा और ये रिग्रेट तो इस पर्सन को आज सुबह है। और यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपसे जो इस पर्सन का कनेक्शन था ना, इस पर्सन ने खुद ही तोड़ दिया है। अभी क्या मुँह लेकर के आपके सामने आएंगे, आपसे क्या बात करेंगे। तो ये जो दुख है अंदर ही अंदर इस पर्सन को एंजाइटी और डिप्रेशन में डालता जा रहा है। और आज सुबह भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जगल ही कर रहा है। तो ये पर्सन अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आपसे बात कर सके, आपको कॉन्टैक्ट कर सके, और अपने करियर में जो लॉस हुआ है इस पर्सन को उसकी भरपाई भी कर सके। तो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में आज सुबह भी नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।